नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। टीवी के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 13 विनर बनने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलैरिटी में जमकर इजाफा हुआ है। द टाइम्स की टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की लिस्ट आ गई है। स्मॉल स्क्रीन पर उनकी लोकप्रियता के आधार पर ऑनलाइन वोटिंग और जूरी के वोटों के आधार पर हिंदी टेलीविजन के हैंडसम हंग एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी जगह बनाई है। इस साल टॉप पर रहने वाले सिद्धार्थ पिछले साल भी टीवी पर टाइम्स के मोस्ट डिजायरेबल मैन थे। एक्टर अपनी एक्टिंग और पर्सनैलिटी से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आपको बता दें, टाइम्स से बात करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी खुशी जाहिर की है। सिद्धार्थ को ये खिताब लगातार दूसरी बार मिला है। अपनी इस सफलता पर खुशी जताते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि आखिर कौन ऐसा है जो कि डिजायरेबल नहीं बनना चाहता है। मैं भी बहुत खुश हूँ ये खिताब पाकर, और इसके लिए मैं अपने सभी चाहने वालों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जब एक्टर से पूछा गया कि उनको दोबारा टीवी के मोस्ट डिजायरेबल मैन बनकर कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि कौन मोस्ट डिजायरेबल मैन नहीं बनना चाहेगा। हंसते हुए कहते हैं कि परमानेंट बने रहना मुझे अच्छा लगेगा। सिद्धार्थ शुक्ला बताते हैं कि इस साल उन्हें इस लिस्ट में जगह मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं अपने काम को लेकर बहुत खुश हूं, अपने ऑडियंस का मनोरंजन कर रहा हूं, इसलिए सब कुछ उन पर ही छोड़ रखा है। आखिरकार ये सम्मान उनके ही प्यार की वजह से ही हासिल हुआ है। बता दें, सिद्धार्थ ने अपने इंस्टा स्टोरी पर दिल से फैंस का आभार जताया है, लिखा है दिल से और हाथ जोड़ने वाली इमोजी लगाई है। जब सिद्धार्थ से महिलाओं को इम्प्रेस करने के सीक्रेट के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने कहा कि मैं खुद जानना चाहता हूं कि उन्हें मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि नो फिल्टर एटीट्यूड, आप मुझे पसंद करें या ना करें, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं कभी किसी चीज़ की आशा नहीं करता हूँ, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। दर्शकों का प्यार ही मेरा अवार्ड है। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हस्तियों में से एक हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।